हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। यहाँ देखिए सचिन तेंदुलकर जी का फोटो दिया गया है। सचिन तेंदुलकर इज ए न्यू बिगिन रोपड इन बाय द इलेक्शन कमीशन एज ए नेशनल आइकन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द इलेक्शन कमीशन्स नेशनल आइकन इन 2023। इलेक्शन कमीशन का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? सचिन तेंदुलकर। 2022 में इलेक्शन कमीशनर का राष्ट्रीय प्रतीक और इलेक्शन कमीशनर का नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी था, अभी सचिन तेंदुलकर बदल गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, उसका हिसाब से सचिन तेंदुलकर जी को नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन रखा गया है। ये कोई पार्टी तरफ से प्रचार नहीं करेगा, सबको वोट देने के लिए एक मॉडल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशनर का मुख्य कौन है, हेड कौन है? राजीव कुमार। अंडर विच आर्टिकल ऑपरेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कौन सा हिसाब से इलेक्शन कमीशन चलती है? आर्टिकल 324। ये न्यूज देखो, ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो वहाँ जो ब्रिक्स में फाइव कंट्री का हेड का ये फोटो है। तो फाइव कंट्री का हेड कौन कौन है, कौन कौन अटेंड किया ब्रिक्स को, एक बार देखते हैं। उसका नाम, ब्राजील प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा, चाइना प्रेसिडेंट क्सी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, इंडिया पीएम मोदी जी, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लवरोव। देखिए रशियन से कोई प्रेसिडेंट नहीं आया, इसीलिए नहीं आया, हम लोग सब जानते हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन फाइट हो रहा है, शायद उसमें बिजी होगा इसीलिए वो यहाँ नहीं आया। उसका हिसाब से रशिया का प्रेसिडेंट का जगह में रशिया का फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इंडियन आर्मी इंटर डूरंट कप क्वार्टर फाइनल। इंडियन आर्मी डूरंट कप क्वार्टर फाइनल में एंटर कर दिया बोल रहा है। तो अभी डूरंट कप हो रहा है, जनरली डूरंट कप क्वार्टर फाइनल में इंडियन आर्मी टीम एंटर होना बड़ा बात नहीं है, ये जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। बट क्वेश्चन ये आता है, डूरंट कप रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी कुछ एग्जाम में आ चुका है, अभी भी आते रहता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूरंट कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? डूरंट कप कौन सा स्पोर्ट्स का रिलेटेड है? डूरंट कप है फुटबॉल कप, ये फुटबॉल स्पोर्ट्स का रिलेटेड है। ये बहुत पुरानी डूरंट कप है, बहुत पुराना है फुटबॉल का रिलेटेड में, इंडिया में सबसे पुराना है डूरंट कप। वेर इज द डूरंट कप 2023 फाइनल हेल्ड? कलकत्ता में होने वाला है ऑन September 3rd, विवेकानंदा युवा भारती क्रिकरंग इन कलकत्ता। वेन वॉज डूरंट कप स्टार्टेड? डूरंट कप पहले बार इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 1888 में शिमला में स्टार्ट हुआ। हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन द डूरंट कप? डूरंट कप जो हर साल खेलता है उसमें कितना टीम्स खेलती है? 24 टीम्स खेलती है। अभी तक दो 1888 से अभी तक जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा टीम जीता है कलकत्ता टीम, और इस जो फाइनल में जीतता है उसका डूरंट कप से फाइनल विनर को प्राइज मनी मिलता है 60 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SBI चीफ खारा लाइकली टू गेट 10 months एक्सटेंशन। इसका मतलब SBI चीफ जो था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट 10 महीना के लिए बढ़ा दिया गया, तो उसके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा देखते हैं। हु इज द करंट SBI चेयरमैन? दिनेश कुमार खारा। विच बैंक वॉज रीनेम्ड एज SBI? SBI का पुराना नाम क्या है ये पूछ रहा है। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI। एंड ऑन विच ईयर IBI कन्वर्टेड इनटू SBI? इसका मतलब ये हुआ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना गया है? 1 जुलाई 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू।